दोस्तों ये देखो मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी है, मारुति सुजुकी की सिलेरियो। और आप देख रहे हैं ये गाड़ी ना, यहाँ देख रहे हैं भाई किस इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। और ये देखो सिलेरियो पीछे से बिल्कुल ठीक है, ये गाड़ी थोड़ी बहुत डेंटिंग लगी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना सामने की तरफ तो यहाँ देखो यार कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी ठुकी है। सुजुकी के लोगों तक अंदर तक चला गया है। अब इसके इंजन में भी आया होगा भाई, ये गाड़ी चल नहीं रही, नंबर प्लेट भी लिया, HR की गाड़ी है ये। और कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, इसके बम्पर वगैरह सारे टूट गए, लेकिन लाइट अभी तक ठीक है। यानी देख रहे हो इस तरीके की लाइट यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो बीच का है ना यहाँ चोट लगा है। यहाँ से देख रहे हो कुछ इस तरीके से किसी गाड़ियों से नहीं ठुकी, ये किसी पोल वोल वगैरह से ठुका है। यहाँ पे देख सकते हो किस दिन डेंट आई यहाँ पे, ये देखो कितना अंदर चला गया है गाड़ी कुछ इस तरीके से। अगर अंदर देखोगे इस गाड़ी को, अंदर जाके देखोगे गाड़ी को, तो अंदर से देखते हैं भाई क्या हिला पड़ा है या फिर नहीं। ये देखो भाई अंदर बिल्कुल सही सलामत है, मतलब कि अंदर बैठने वाले लोगों को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ देख रहे हो एयर बैग वगैरह भी नहीं खुला है, और कुछ इस तरीके देख रहे हो अंदर तक ये बिल्कुल सही सलामत है। अंदर कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ बाहर हुआ है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से इसमें ठोकर नहीं लगा गया है। यानी ये गाड़ी की गलती थी कि भैया ड्राइवर की गलती थी, उन्होंने पोल में जाके मारा है। तो यहाँ पर जाके यहाँ पर ये देखो ये वाला जो चीज़ लगा ना, यहाँ से सबसे पहले ये अंदर गया है, लेकिन जब भी लगा होगा ये बहुत तगड़ा लगा होगा। ये देख रहे हो कितना अंदर चला गया, सुजुकी लोगों तक अंदर चलेगी यहाँ से बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ही चेंज होगा, ये आगे का पोर्शन पूरा चेंज होगा कुछ इस तरीके से। पीछे किसी तरीके का कोई भी डैमेज नहीं है, जो हुआ है आगे ही हुआ है। और ये सिलेरियो देख रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं हुआ है सिलेरियो, मतलब थोड़े बहुत तो पावरफुल है ये गाड़ी मारुति सुजुकी। देख रहे हो अंदर अगर होता कुछ भी तो अंदर की जो थी स्टेयरिंग वगैरह थोड़ा सा निकल कर बाहर आ जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देख रहे हो आदमी अंदर आराम से बैठे हुए होंगे, लेकिन जो बाहर लगा होगा ना झटका, वो मायने रखता है भाई कितना जोर का झटका लगा होगा। और यहाँ देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ, ये अंदर तक बिल्कुल ये ऐसे ही है, सही सलामत है। ये देखो सीट वगैरह बिल्कुल सही सलामत, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ है बाहर ही हुआ है। यानी स्टेयरिंग देख रहे हो, स्टेयरिंग अपने स्टील खड़ी है यहाँ पे, अपने जगह पे खड़ी है, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है। देख रहे हो अंदर से कुछ भी डिफेक्टेड नहीं है, अंदर से कहीं से भी कुछ भी हिला तक नहीं है, लेकिन जो हुआ है ना वो आगे हुआ है। आगे का बम्पर देख रहे हो कुछ इस तरीके से, इंजन देखो इसकी, इंजन भी अंदर हो चुका है, मतलब कि इसके इंजन वगैरह में भी दिक्कत आ गई है, लेकिन टायर वगैरह बिल्कुल सही सलामत। देख पा रहे हो आप अपने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से देख रहे हो, अगर हम इंजन देखते, लेकिन ये खुलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हो इंजन भी ठीक ठाक है, लेकिन आगे से देखोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, मतलब कि ये पूरा चेंज होगा या फिर इसको ठीक करवाया जाएगा। और कुछ इस तरीके से डेंटिंग आ चुकी है इस गाड़ी के ऊपर, यहाँ पर देखो भाई ये आया है। और यहाँ फॉग लाइट वगैरह, फॉग लाइट अंदर चला गया, यहाँ से देख रहे हो कुछ अंदर चला गया इस तरीके से। लाइट ये सही सलामत है कि लाइट सही सलामत है भाई, लेकिन ये जो है ना ये वाला दिक्कत आ गई है, ये वाला पोर्शन है जो अंदर चला गया, तो इससे थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत आ गई है। बाकी गाड़ी बिल्कुल ओवरऑल सही है, आगे से ही जो हुआ है ये पोल से जाके ठुकी है, किसी गाड़ी से जाके नहीं लगी है, ऐसा इस चोट को देख के बताया जा रहा है। लेकिन पता ज़रूर होगा कि भैया किस तरीके से इसमें दिक्कतें आई है, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अंदर आपको दिखाया मैंने कि अंदर आपको देख रहे हो स्टेयरिंग बिल्कुल स्टील खड़ी है, बिल्कुल कहीं नहीं स्टेयरिंग हिला तक नहीं है। देख रहे हो अंदर को कुछ भी नहीं हिला, ब्रेक भी देखो अपनी जगह पर है, सब चीज़ अपनी जगह पर, गियर भी देखो अपनी जगह पर है, लेकिन जो भी हुआ है बाहर से हुआ है, तो चोट बाहर से ही आई है, जो भी आया अंदर का कुछ भी नहीं हुआ, मतलब आदमी सही सलामत है। और जो लगा मतलब कि मारुति सुजुकी की जो बिल्ड क्वालिटी है बिल्कुल सही है, वाइफर वगैरह बिल्कुल अपने जगह पर है और बिल्कुल सही है मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी। जो बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लगा होगा, अगर देख रहे हो ये चोट देखो कितना तेज लगा होगा, लेकिन अंदर तक कुछ भी नहीं हुआ, तो मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी बहुत सही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो अपनी तरफ से लाइक भी ज़रूर करना। और ये एक ऐसी था कि भाई सुजुकी को आप गाड़ी आराम से चलाएँ, और मारुति सुजुकी के बिल्ड क्वालिटी पर कोई भी प्रश्न ना उठाएं, कोई भी क्वेश्चन ना उठाएं, क्योंकि उनकी बिल्ड क्वालिटी अपनी जगह सही होती है, लेकिन गलती होती है चलाने वाले की। लेकिन देख रहे हो कुछ इस तरीके से जो लगा है पोल में, तो ये चलाने वाले के ही ऊपर डिपेंड करता है भाई किस तरीके से चलाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।